पूरा प्रशासन की ताकत लगी हुई है, कुछ भी करो, कांग्रेसियों को मंच तक मत पहनने दो, मंच तक मत जाने दो। एक एक दो दो किलोमीटर तक हमारे वाहनों को रोका जा रहा है, हमारे किसानों के ट्रैक्टरों को, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, हमारे लोग जो यहाँ पे आके पचौरी जी के सामने अपनी बात करना चाहते हैं, अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं, पूरा प्रशासन का श्रम आना चाहिए। इतना डरपोक, इतना कायर प्रशासन हरदा जिले ने कभी नहीं देखा। हमारे जितने भी साथी यहाँ पे आना चाहते हैं उनको रोकने में लगे हुए हैं, मगर वो समझ लें ये जनता की ताकत है, अब सड़कों पे आ गई है, तुम कितनी ताकत लगा लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। पचौरी जी हमारे प्रदेश के बहुत वरिष्ठ, हमारे परिवार के मुखिया हैं। ये एक एक दो दो किलोमीटर तक लोग जो पैदल चले आ रहे हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, ये सिर्फ आक्रोश व्यक्त करने नहीं आ रहे हैं। हमारा गुस्सा तो 4 साल से हमारा भरा भरा हुआ है। 5 साल पहले हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बात फेंका था, कांग्रेस की सरकार, हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बनाया था, गांव गांव से कांग्रेस के लोगों ने वोट दिया था, मगर ये चोरों ने और गद्दारों ने मिलकर हमारी प्रश्न थाली को हमारे सामने से छीना। और फिर भी ये आक्रोश, ये गुस्सा हम 4 साल से हमारे दिलों में भरा हुआ है। साथियों, हमको उम्मीद थी कि हमारे जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ पे 30 साल से बीजेपी का सांसद बैठा हुआ है, दोगनी जी के पहले और बाद में यहाँ पे कमल पटेल जी बैठे हुए हैं, उधर संजय शाह जी 3 बार से बैठे हुए हैं। अब मैं स्थानीय मुद्दों पे ही बात करना चाहता हूँ। 4 साल से मंत्री है कमल पटेल जी, और हम उस मन से पूछना चाहते हैं बीजेपी के लोगों से, 4 साल में एक काम बता दे, एक समस्या बता दे जो हमारे जिले कोई समस्या का समाधान, वो किसान हमारा का किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे विद्यार्थी हो, नौजवान हो, किसी भी हमारी एक भी समस्या का समाधान साथियों नहीं हुआ। क्या हो रहा है हमारे जिले में, चल ले लिया गया, काम हुआ नहीं, दिखाने को कुछ नहीं है। ठेकेदारों से कमल पटेल और संजय शाह ने लाखों रुपए का कमीशन वसूल कर लिया है, और उस पैसे से ये लोग, भैया आ जाइए, बैठ जाइए, हो गया ना, अब आ रहे हैं जगह जगह से, रेलवे आ रहे हैं, इधर से भी उधर से भी, चारों तरफ से हमारे कांग्रेस साथी सड़कों पर निकल आ रहे हैं, और जिला प्रशासन को, भारतीय जनता पार्टी को, कमल पटेल, संजय शाह, शिवराज सिंह को बताएंगे आज हम कि हरदा जिले में आप लोगों ने कितना भ्रष्टाचार मचा रखा है, हरदा जिले के किसानों को आपने किस प्रकार लूटा है। पिछले 5 साल में जितने किसान बैठे, जितनी दुकानें हैं ये एग्रीकल्चर की, एक भी जांच नहीं हुई है, एक कार्रवाई नहीं हुई। हमारे यहाँ पर, हमारे यहाँ फर्जी खाद बिकी, फर्जी दवाइयाँ बिक रही हैं, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सबकी अटैचियाँ जाती है वहाँ पे बारंगा, अटैची दे आते हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उन फर्जी लोगों के खिलाफ में। अभी एक भैया आया था मंडी में पोस्टर लगाने के, 43-2 करोड़ रुपए खा गया भैया जी, अभी हमारे मंत्री जी उसको पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। ये हाल हो रहा है, वो चिल्ला रहा है, आत्महत्या करने की धमकी दे रहा है, जगह जगह लेटर लिख रहा है मुख्यमंत्री को, मगर हरदा जिले को शर्मिंदा करने का काम कमल पटेल ने हमारे जिले में किया। साथी हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, जितने हमारे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ होशंगाबाद जिले के लोग बैठे, खंडवा के लोग भी यहाँ पर बैठे, धर्मकुंडी, बनापुरा, बुदनी, छोटे छोटे रोड पे ओवरब्रिज बन गए, सारे ओवरब्रिज बन चुके हैं, मगर हरदा जिला में किमनी, हरदा, खिड़किया, जो हमारे ब्लॉक स्तर के, जिला स्तर के, जहाँ पर डबल फाटक के घंटा ट्रैफिक लगा रहता है, वहां पर भी अभी तक ओवरब्रिज बनाने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2009 में हमारे पे एक भी और भी बीजेपी के नेताओं ने नहीं बनाया। आज हमारे यहाँ पर 4 साल में एक भी ऐसे इंडस्ट्री को लेके, रोजगार को लेके काम नहीं किया गया। हमारे यहाँ पे विधानसभा में शाम समझ प्रस्ताव था, रोल गांव में फुटपाथ खोला जाएगा, फिर वहाँ पर बोला गया, आज तक फुटपाथ का रोड गांव में खोलने का कोई काम साथियों नहीं हुआ। हमारे यहाँ पर पिछले 5 साल में जितनी भी घोषणा की गई थी, खिड़किया में, दीपावर में, वहाँ पर